यहाँ पर भविष्य मन जा रहे हैं अविष्का, एक बार जोरदार तालियां। के साथ यहाँ पर मना रहे हैं और नियाज काटरी साहिब भाई और सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर। नियाज जी भाई लास्ट टाइम रियाज कादरी इलेक्शन राहुल आणि बरे वोट घेतलेले पण वो बातमे इलेक्शन थोडे वोटचे हारा पण उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने बाद में सोशल सर्विस छोड़ा ने जो काम था ज़्यादातर हमने देखा है कि एक बार इलेक्शन हुआ लोग बाद में 5 साल 4.5 साल को दिखते ही नहीं सीधा अगले इलेक्शन में दिखते पर रियाज कादरी को मैंने नोटिस किया अपना सोशल सर्विस रोज चालू करता रहा कोरोना के टाइम और कभी भी कुछ भी शादियाँ गरीबों में वो हर टाइम खड़ा रहा और इस टाइम तो अगर वो जेंट्स और जनरल वार्ड रहता तो आराम से जीता था पर अनफॉर्चुनेटली ये लेडी वार्ड हुआ और बाद में हम लोग सब ने उनको बोला अगर तू नहीं तो तेरी हमारी मिसेज को खड़ा रखो क्योंकि इनडायरेक्टली तू ही रहेगा और ये अच्छा है और इसलिए अभी अच्छी बात है कि इसकी मिसेज रखी और ये आराम से इलेक्शन जीतेगा बिकॉज ही इज रियली एक्टिव इन सोशल वर्क एंड वी ऑल आर सपोर्टिंग। अंदर इतने दिनों से बोल रहे थे कि जनरल वार्ड होने वाला है तो मैं ये सोच रहा था कि अगर जनरल वार्ड हुआ तो मैं खड़ा रहूँगा, जब अचानक लेडीज़ वार्ड हुआ तो मेरी जो भी हरमान जी वार्ड नंबर 10 के मैं एकदम साइलेंटली हो गया क्योंकि वार्ड नंबर लेडीज़ ये वार्ड लेडीज़ होने की वजह से। फिर अचानक कई सारे हमारे वार्ड नंबर 10 के लोग आए अप्रोच किए तू पीछे क्यों हट रहा है तू खड़ा रहना या तेरी वाइफ खड़ा रहना एक ही बात है तू आगे बढ़ हम सब तेरा साथ देंगे। मेरे को बहुत फोर्स करने के बाद मैंने मेरी वाइफ को वार्ड नंबर 10 में खड़ा किया हूँ इलेक्शन के लिए। आप देख रहे हैं आज मेरे ऑफिस का इनॉग्रेशन है तो यहाँ पे जो भी लोग हैं सब वार्ड नंबर 10 के लोग हैं गांधीनगर के लोग हैं जो ये पूरा मेरे को एक साथ सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं और मेरी जो भी वार्ड नंबर 10 के लिए डेवलपमेंट रहेगा मैं पूरा करूँगा। आज तक आप लोग देख रहे हैं वार्ड नंबर 10 में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ सिर्फ डेवलपमेंट के लिए और लोगों को मदद करने के लिए, मेरा कोई मकसद नहीं। मैं इसीलिए वार्ड नंबर 10 में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मेरी वाइफ को मैंने खड़ा किया है इसी मकसद को लेकर के और मुझे पूरी उम्मीद है वार्ड नंबर 10 के लोग पूरे जितने भी वोटर्स हैं मेरे साथ देंगे और जिता कर लाएंगे। थैंक यू।